नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आपका स्वागत है। हिंदी में प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चन जारी रखते हुए मैंने रिवर्सिंग इंटीजर यूजिंग व्हाइल लूप बताया था। अभी मैं फॉर लूप बताने वाला हूं। मैं जानबूझ के दोनों वीडियो को एक साथ नहीं किया क्योंकि हो सकता है कभी आप पूरा वीडियो ना देखो तो ये कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। तो फॉर लूप यूज करके भी आप कर सकते हैं एक इंटीजर को रिवर्स। चलिए डायरेक्टली कोड पे चलते हैं, फटाफट इसको करते हैं, क्लास बनाते हैं रिवर्स इंटीजर यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वाइल लूप की तरह है, कॉन्सेप्ट सेम है बट लूप डिफरेंट है और कुछ नहीं है। मैं एक नंबर ले लेता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, वापस वही रिवर्स इनिशियलाइज करेंगे हम 0 को। ठीक है, हम पहले क्या करते थे, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम एक अनोखी चीज करेंगे, हम इनिशियलाइजेशन पार्ट को यहाँ पे स्किप कर देंगे। हम इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को डालेंगे ही नहीं। ठीक है, हम अपडेट एक्सप्रेशन या इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन को डालेंगे फॉर लूप के अंदर, लेकिन इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को हम छोड़ देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और नंबर को उसके साथ हम जो मॉड्यूल निकालते थे उसको हम जरूर करेंगे डिवाइड करके, नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10, जो इसका आउट रिमाइंडर होता था उसको हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है जो वाइल लूप के साथ है, बस इसमें यह है कि हम इसमें इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इंट रिमाइंडर एक डिक्लेयर करेंगे और ये होगा नंबर मॉड्यूल 10, ये तो मैंने वहां पर भी बताया था। ठीक है, अब रिवर्स को क्या कर देंगे, रिवर्स का सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, रिवर्स इंटू 10 प्लस आपका रिमाइंडर। ठीक है, अब यहां पे हम बाहर आके लूप से रिवर्स प्रिंट करा देंगे। तो अब आप देखिए ये आपका आउटपुट आराम से आ गया। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, मैं पहले बता देता हूं, इस स्टेप को देखिए ध्यान से। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, पहला कदम, हम कोई भी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम रहेगा, इसे टेस्ट एक्सप्रेशन कहते हैं, ये सेम रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं। और ये जो अपडेट वगैरह करना होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सब भी बराबर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो होगा क्या, जब ईच आइटरेशन के बाद अपडेट एक्सप्रेशन रन होगा ना, तो ये लास्ट डिजिट को रिमूव करता रहेगा, 1 2 3 4 5 से 5 रिमूव, फिर 4 रिमूव, फिर 3 रिमूव, फिर 2 रिमूव, फिर 1 रिमूव। तो जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 पहुंच जाएगा लूप के अंदर, ये उसको बाहर कर देगा और टोटली रिवर्स करके हमको दे देगा। सेम कॉन्सेप्ट है जो वाइल लूप में था, बस इतना है कि लूप का अंतर है और इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, हम इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन नहीं डाल रहे हैं। जब लूप एग्जिट होगा ये पर्टिकुलर रिवर्स के साथ हमारा रिवर्स अटैच हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें और एक छोटा सा हल्का सा, जिसको और इजी करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं और मैं इसमें वही चीज लिखूंगा बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम। मैं यहां पे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को इग्नोर कर रहा हूं, टेस्ट एक्सप्रेशन को लिखूंगा, नंबर थोड़ा स्पेस दे देते हैं, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे वो वाला एक्सप्रेशन को भी हटा देता हूं, जो इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन को भी हटा देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं रिमाइंडर को दोबारा लिख लेता हूं, रिमाइंडर इक्वल टू वही आपका नंबर मॉड 10। ठीक है, रिवर्स सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, ये तो सेम रहेगा। यहां पर आप लिख सकते हैं नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10, तो वो एक एक नंबर को एलिमिनेट करता जाएगा और आपको आंसर दे देगा। अभी मैं इसको क्लियर करता हूं, देखिए दोबारा रन करते हैं।
आपका नंबर यहाँ ऐसे भी रिवर्स हो सकता है, तो आप ये वाला फॉर लूप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला फॉर लूप भी लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप वाइल लूप चाहे तो वाइल लूप लगा के भी कर सकते हैं, फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जस्ट एक ही ट्रिक है, आप इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को हटा दीजिए, बाकी आपको टेस्ट एक्सप्रेशन रखना है तो रख सकते हैं। नहीं, टेस्ट एक्सप्रेशन तो रहेगा ही, इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन को आपको रखना है रखिए, नहीं तो आपको लूप के बॉडी मतलब उसको उसके अंदर पैरामीटराइज करके रखना है रखिए, नहीं तो बॉडी के अंदर रखना है रखिए, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से काम करेंगे। तो बस ये छोटा सा वीडियो था। तो ऐसे और भी रिकर्शन से भी होता है, रिवर्स होता है इंटीजर, बट अभी उसको नहीं बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, साथ के साइनिंग ऑफ।